गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ दैट फंक्शन विच इज इम्प्लिसिट एंड इन दैट सेक्शन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट वॉट यू मीन बाई इम्प्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन अगर आपके पास कोई एफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो कोई फंक्शन है, सो इम्प्लिसिट फंक्शन आप उसे कहोगे जिसमें x और y को आप सेपरेट नहीं कर सकते. x को y के फंक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते और y को x के फंक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते. ऐसे फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं. और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा था. आज बच्चों हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी. आपको कोई ना कोई वैल्यू एक्स की सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जिससे आपका वो प्रॉब्लम आसानी से डिफरेंशिएट हो सके. उसके पहले बच्चों हम कुछ रिव्यू देखेंगे जो क्लास इलेवेंथ में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े थे उसके बारे में हम जानेंगे. वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनका आपको क्लास ट्वेल्थ में यूज़ करना है और क्या क्या सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा जब आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे. सो स्टूडेंट्स आप देखो तो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखे हैं जो आपने क्लास इलेवेंथ में भी पढ़ा था. दैट फॉर्मूलेज आर, जैसे मैं अगर एक एक करके आपको बताऊं, साइन टू एक्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस टू एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स या तो होगा, या टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स. इन तीनों का यूज आपके ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हो. अगर कॉस के साथ वन प्लस में या माइनस में लिखा हुआ है तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे या तो ये, लेकिन कॉस के साथ कोई प्लस माइनस वन नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा. सिचुएशंस जैसे जैसे आएंगे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उनको फॉर्मूले को आपको पुट करना है. नाउ साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का टैन के फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है टू टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स, एंड कॉस टू एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन टू एक्स टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स प्लस वाई और टेन एक्स माइनस वाई, दोनों को मैंने कंबाइन करके लिखा है. इफ आप सपोज करोगे प्लस देन यू गेट प्लस एंड माइनस, मतलब टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई. अगर यही माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस. फिर इनवर्स में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले थे, सो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स, या पहले भी पढ़े हो कि साइन ऑफ माइनस एंगल जो होता है माइनस साइन ऑफ एंगल हो जाता है, यानी माइनस बाहर आ जाता है. सो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है. स्टूडेंट्स पाई को सब माइनस करते हैं पाई में कॉस इनवर्स एक्स को, तो हमको कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू मिल जाती है. नेक्स्ट टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो साइन के साथ होता है वही टैन के साथ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू देता है, एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू देता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू देता है. स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का यूज बहुत ज़्यादा केसेस में आपको मिलेगा. इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे वहाँ पे भी ये फॉर्मूले का यूज़ मिलेगा. डिफरेंशिएशन में अभी आप देखोगे कि कैसे हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे. यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि आप ये फॉर्मूले तभी यूज़ कर सकते हो जब साइन और कॉस प्लस में हो और दोनों के एंगल सेम हो, तो वो पाई बाई टू वैल्यू देता है. ऐसे ही सेक और कोसेक इनवर्स के लिए है, सेम एंगल प्लस में हो पाई बाई टू, एंड टैन इनवर्स भी और कॉट इनवर्स सेम एंगल पे होंगे प्लस में होंगे तो पाई बाई टू रखोगे. नाउ साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की अगर कोई वैल्यू दिख रही है तो डायरेक्ट आप कॉस इनवर्स एक्स उसकी जगह पे लिख सकते हो. ये कैसे होता है तो मैं आपको हिंट दूं, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, टेंथ में पढ़ा था. ऐसे ही sec इनवर्स sec स्क्वायर x इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू वन प्लस cot स्क्वायर x. इन्हीं फॉर्मूलों से हम ये रिलेशन लाए हैं
तो हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी जो था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, या साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उन्हीं वैल्यूज का यूज करके हम साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पाए, कॉस इनवर्स एक्स, एंड कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। नाउ स्टूडेंट्स कुछ ये फॉर्मूले, एक दो और फॉर्मूले स्टूडेंट्स, जैसे टू टेन इनवर्स एक्स, टेन टू थीटा पढ़ते हो, टेन टू थीटा इनवर्स एक्स, ये तीन फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, एक कॉस के फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में, एक खुद टैन के फॉर्म में। अभी वो फॉर्मूले आप देख भी रहे हो यहाँ पे, ये देखो स्टूडेंट्स, ये तीनों देखो टैन के फॉर्मूले टैन में भी हैं, टैन कॉस के फॉर्मूले भी टैन में हैं, और साइन के फॉर्मूले भी टैन में हैं, इन्हीं से ये फॉर्मूले आते हैं स्टूडेंट्स। टू टैन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स में जब आओगे तो क्या होता है, टू टैन एक्स अपन वन प्लस टैन स्क्वायर है, तो ऐसे टू एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में जाते हो तो क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सो यहाँ हो जाता है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन, तो टू टेन एक्स अपन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सो यहाँ हो जाता है टेन इनवर्स टू एक्स अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये रिलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज आपको डिफ्रेंशिएशन में मिलेगा और इंटीग्रेशन में भी मिलेगा। नाउ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई और tan inverse x minus tan inverse y, प्लस होगा स्टूडेंट तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। सो हाउ tan inverse x plus minus tan inverse y equals to tan inverse x plus minus y upon 1 minus plus xy। अब देखो जब 1 minus xy होगा स्टूडेंट, प्लस के लिए माइनस आएगा, प्लस के लिए माइनस आएगा, तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू वन से छोटी होनी चाहिए, नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए यहाँ एक्स वाई लेस देन वन है। और जब प्लस आप लोगे यानी वन प्लस एक्स वाई, सो स्टूडेंट इस केस में एक्स वाई की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होनी चाहिए, माइनस वन से बड़ी का मतलब कि इधर ये माइनस वन है, ये जीरो, ये वन, तो इधर की तरफ जाना है, यानी हम और इधर नहीं जा सकते। देखो माइनस वन से जैसे ही छोटी वैल्यू आएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इस वजह से इसकी वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन यानी इधर की तरफ, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, बट माइनस वन से छोटी वैल्यू नहीं। तो ये दोनों जो कंडीशन है इन दोनों फॉर्मूले के लिए, या दो फॉर्मूले हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आप जब डिफरेंशिएशन निकालोगे कुछ सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सो क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की चीज़ आपके डेरिवेटिव में दिख रही है तो वहाँ एक्स की जगह या तो आप कॉस्ट ए कॉस थीटा पुट करो और ए साइन थीटा, दोनों में से कोई एक करोगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो आप यहाँ तो या तो एक्स की जगह ए टैन थीटा पुट कर लो या ए कॉट थीटा पुट कर लो, कोई एक। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, देखो इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा सो एक्स की वैल्यू या तो ए सेक थीटा होगी या ए कॉसेक थीटा। देखो बच्चों जब आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, कुछ टेंथ में जो आइडेंटिटीज अभी हमने बताया ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वन, इनका भी यूज होगा, यहाँ इन्हीं का यूज होना है, यहाँ पहला आइडेंटिटी, यहाँ दूसरा आइडेंटिटी और यहाँ तीसरा आइडेंटिटी, तो आप इसीलिए ये हम सब्स्टिट्यूशन कर भी रहे हैं ताकि हम आइडेंटिटी का यूज करके प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लें और हमको एक ईजियर फॉर्म मिल जाए जिसका हम डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकें। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा और ए कॉसेक थीटा हमको यूज करनी। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, सो इस केस में एक्स को क्या पुट करना है, ए कॉस थीटा। जब ए कॉस थीटा पुट करोगे
तो ये फॉर्मूला बनेगा cos 2x का। अब इसमें कौन सा यूज करना है आप जब यहाँ सॉल्व कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या यूज करना है। नाउ लास्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा पुट करनी है। सो जहाँ जहाँ जो सब्स्टिट्यूशन आपको बताया जा रहा है वो सब्स्टिट्यूशन अगर आप यूज कर लेते हो स्टूडेंट्स, सो आपका डिफरेंशिएशन में जो भी फंक्शन दिया होगा वो आसान हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, जिससे आप अपने आंसर को आसानी से आ जाओगे, उसको फाइंड कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप ये जो फॉर्मूले हैं, ये सब्स्टिट्यूशन है, इनको नोट कर लो। हम अब देखेंगे इन फॉर्मूले और इस सब्स्टिट्यूशन पे अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव्स, फंक्शन के डेरिवेटिव्स का डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्टली यू नोट डाउन स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दीज आर द टू क्वेश्चंस which is based on the substitution and some trigonometric formula. कुछ trigonometric formula का भी use करेंगे, कुछ substitution का भी हम use करेंगे और इसको solve करने की कोशिश करते हैं। So solution of first question. First question is find dy dx if you have y equals to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. अब स्टूडेंट सब हमको ये समझना है कि अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था किसका, cos 2 थीटा का, क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी मैंने इनिशियली बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि ये इनवर्स और ये जो सब्स्टिट्यूशन वो अपने आप को कंपनसेट करके एक आसान सा फंक्शन बना ले। बच्चों सबसे पहले हम नोट करते हैं कि हमको गिवन क्या है। सो वी हैव गिवन दैट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यहां x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। नाउ पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, सॉरी टैन थीटा। बच्चों एक चीज याद रखो, मैंने साइन क्यों नहीं रखा, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो जाता, बट 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या रखते, कुछ नहीं रख पाते बिकॉज आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है इस टाइप की। इसीलिए हमको ऐसी आइडेंटिटी या ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना जो कोई ना कोई आइडेंटिटी या कोई ना कोई फॉर्मूला बनाता हो। सो हमने पुट किया एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा, यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा थीटा। अब जरा फंक्शन पे आते हैं, साइन इनवर्स पुट करो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का रेशियो क्या देता है, अभी फॉर्मूले में देखा cos 2 theta, so आपको मिल गया sin inverse cos 2 theta, यहां लिख दोगे स्टूडेंट्स कि cos 2 theta जो होगा 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta होगा। now अब sin inverse और cos तो एक दूसरे को compensate कर नहीं सकते, बट कॉस को हम साइन में जरूर चेंज कर सकते हैं। हमने टेंथ में कुछ रिलेशंस देखे थे, इंटर कन्वर्जन ऑफ साइन इनटू कॉस, टैन इनटू कॉट, सेक इनटू कॉस, एक ऐसे कन्वर्जन्स देखे थे, उनका यूज करेंगे स्टूडेंट्स। सो साइन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं साइन। अब देखो बच्चों हमारे पास दो तरीका होगा, या तो हम लिख दे साइन पाई बाई टू प्लस टू थीटा या साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, बिकॉज बच्चों पाई बाई टू माइनस टू थीटा पे भी वो कॉस टू थीटा देगा और पाई बाई टू प्लस टू थीटा पे भी वो कॉस टू थीटा देगा।
फर्क थोड़ा सा होगा। अगर आप माइनस लेकर चलोगे तो आंसर निगेटिव में आएगा, प्लस लेके चलोगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। इससे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप दोनों आंसर दे सकते हो, दोनों आपका सही है, बिकॉज इस साइन का कॉस में कन्वर्जन दोनों तरीके से होता है, इधर पाई बाई टू माइनस थीटा और पाई बाई टू प्लस थीटा, दोनों में साइन कॉस में चेंज होता है। सो यहां हम देखो साइन इनवर्स एंड साइन, ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे और आपको मिल जाएगा पाई बाई टू प्लस टू थीटा, टू थीटा। वो भी केस में लिख दे रहा हूं बच्चों, जो अभी मैंने बोला क्या, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा, ये भी कॉस टू थीटा ही देता है स्टूडेंट्स। तो ये भी हम लिख सकते हैं, यानी ये भी स्टेप इसकी जगह पे आ सकता है, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों हो सकते हैं। नाउ हमारा फंक्शन तो थीटा है नहीं, हमारा फंक्शन एक्स वाई में है, एक्स में है। सो ये थीटा को मैंने देखो एक्स में कन्वर्ट किया है, टैन इनवर्स एक्स। सो आप यहाँ पुट करोगे पाई बाई टू प्लस टू थीटा की जगह पे टैन इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी रख सकते हैं पाई बाई टू माइनस टू टैन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज हमको डी वाई डी एक्स चाहिए। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, जब आप डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना, कांस्टेंट है जीरो, टू कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, तो टू और टेन का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब करोगे तो ये देखो पाई बाई टू जीरो, माइनस की साइन रहेगी, टू कांस्टेंट है टेन इनवर्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर वन बाई में, सो माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये दोनों बच्चों आपके आंसर होंगे, दोनों में से कोई भी आप आंसर निकालते हो कोई मिस्टेक नहीं होगा, दोनों पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज द derivative of this function by substituting x equals to tan theta or कुछ trigonometric formula का use. Second question, solution of second question students, see that आपको एक function दिया है under root 1 minus x square plus under root 1 minus y square equals to a times x minus y, and you have to prove dy dx equals to under root 1 minus y square upon 1 minus x square. Students, इस question को दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक बिना substitution के भी कर सकते हैं, दूसरा substitution करके भी कर सकते हैं। बिना substitution के आप करोगे थोड़ा सा lengthy process होगा, थोड़ा बड़ा होगा आपका solution, और जब आप substitution करके करोगे तो थोड़ा उसके comparison में छोटा सोल्यूशन होगा। हम एक बार सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं, वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे तो आपको फिर रेशियो रूल लगाना होगा, रूट के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा, जो आपके लिए थोड़ा सा टफ वर्क होगा। सो सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू रूट में से बाहर कब निकलेगी, जब कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स और वाई की जगह पर रखा जाए कि वो कोई ना कोई आइडेंटिटी बना ले। अब आपको दिख रहा है कि अगर x की जगह साइन थीटा रखा जाए तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर करोगे तो कॉस थीटा बन जाएगा। देखो सिंपल में आ गया, इसको साइन थीटा नहीं मानोगे, ध्यान रखना, क्योंकि x अलग फंक्शन है y अलग है, तो इसको अगर साइन थीटा मान रखे हो तो इसको साइन फाई मानोगे, अनदर एंगल, तो साइन फाई माना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये भी कॉस स्क्वायर फाई, रूट से निकला तो कॉस फाई। तो ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन अगर करते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। सो गिवन दैट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
under root 1 minus y square equals to a times x minus y. Put करते हैं, put x equals to a sin, sorry, x equals to sin theta and y equals to sin phi. बच्चों हमारा आंसर फाई और थीटा में नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स. और यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स वाई. कोई दिक्कत नहीं होगा ना? पुट करो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई. Phi equals to a sin theta minus sin phi. Clear है? सिर्फ substitute किया. अब इसको मैं direct करता हूँ students, क्योंकि यहाँ आप समझ गए होंगे. ये cos square theta, ये cos square phi, root से बाहर निकला तो cos theta plus cos phi. और ये क्या? a sin theta minus sin phi. अब बच्चों यहाँ आपको एक फॉर्मूले का यूज करना होगा, वो क्या है? तो cos c plus cos d, याद करो 11th में बताया था, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. और यहाँ भी आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, sin c minus sin d, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. हाफ एंगल, एंगल को हाफ करते थे सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में, उसी का यूज करेंगे. सो इसका यूज किया तो 2 cos, c की जगह थीटा है, d की जगह फाई है, तो थीटा प्लस फाई बाय 2 इनटू cos थीटा माइनस फाई बाय 2. ओके, इक्वल्स टू a, यहां भी हम यूज करते हैं 2 cos sin theta minus phi by 2. I hope आपको ये formula समझ में आया होगा. cos c plus cos d and sin c minus sin d, इन्हीं का हमने use करा है. अब बच्चों देखो, कुछ आपको दिख रहा है कि दोनों साइड से कट रहे होंगे. 2 तो पहले दिख रहा होगा कट रहा है, ये भी कट रहा है. बच्चों देखो cos theta plus phi minus phi by 2, और इधर मिल गया a sin थीटा माइनस फाइव बाई टू. अब बच्चों मैं इसको इसके नीचे लाता हूं, मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू अपॉन साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, और यहां मिल जाएगा ए. यानी बच्चों आपको ए की वैल्यू मिल गई. कॉस बाई साइन क्या होता है बच्चों? कॉट, कॉट थीटा माइनस फाइव बाई टू. ओके, समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करता हूं कि इसको इस साइड लाता हूं, तो कॉट जब ए की साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? कॉट इनवर्स, और साथ में क्या आ जाएगा? ए. और इधर क्या बच जाएगा? थीटा माइनस फाइव बाई टू. 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां देखो थीटा माइनस फाइव की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 कॉट इनवर्स ए. अब आप पुट कर दो थीटा और फाइव की वैल्यू, यहां से थीटा और फाइव की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 बना लो चाहो तो. थीटा और फाइव की वैल्यू, थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स, और फाइव क्या है? साइन इनवर्स वाई. और इधर है 2 cot inverse a, यहां लिख दोगे यूजिंग इक्वेशन 1. अब आप डेरिवेटिव निकाल लो. नाउ आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव, नाउ डिफरेंशिएट, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. अभी पढ़ा है डेरिवेटिव. और ये देखो 2 cot inverse a, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो. और बच्चों मैं डेरिवेटिव, एक चीज और देखो, ध्यान दो,
डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं ना, डिफरेंशिएट यहां लिख दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप निकाल रहे हो स्टूडेंट्स, सो आप क्या करोगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वाई का फंक्शन है, तो यहाँ डेरिवेटिव निकालते समय आपको डी वाई डी एक्स भी मिलेगा और इधर तो जीरो आ जाएगा। अब इसको बस सॉल्व कर दो, ये इधर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस टाइप का मिल जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट, ये ऊपर चला जाएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चंस को देखें, दोनों में सब्स्टिट्यूशन था, पहले में भी था, दूसरे में भी था, दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि यहाँ दो सब्स्टिट्यूशन करने थे थीटा और फाई के लिए, एक्स और वाई के लिए। सो हमने इसको भी देखा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया है ट्रिग्नोमेट्री जो आपने इलेवेंथ में पढ़ा था, और फिर कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, ट्रांसफर किया है और डिफरेंशिएट किया है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स एक्स का ये हो गया एंड साइन इनवर्स वाई का साथ में डी वाई डी एक्स आ गया, और फिर हमने डी वाई डी एक्स को सेपरेट करके निकाल लिया। सो स्टूडेंट्स जस्ट नोट डाउन, देन वी सी द होमवर्क क्वेश्चन। हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे, वो आपको करके आना होगा। सो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर होमवर्क क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन। लास्ट में मैंने जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए वो दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, और इसमें भी ये तीन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बहुत पहले पूछा गया था 2011 में, बट ये रिसेंट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट करूं, सो फाइंड डी वाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13। नेक्स्ट डिफरेंशिएट टैन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। यहाँ कंडीशन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एक्स होना चाहिए और ए बाई बी टैन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन होनी चाहिए। थर्ड इफ वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स जीरो से वन के बीच में है, सो फाइंड डी वाई डी एक्स। एंड लास्ट इफ वाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाद में है रूट के अपॉन होल अपॉन ए एक्स, देन फाइंड डी वाई डी एक्स। सो स्टूडेंट्स ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आई होप आप इनको कर लोगे। सो आप ट्राई करना, अगर कोई भी दिक्कत होगी ग्रुप में आप मैसेज करके इन क्वेश्चंस का सलूशन ले सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।